हेलो एवरी वन वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदाज लर्निंग सो स्टूडेंट टूडे इन दिस वीडियो वी हैव कम्प्लीटेड एनसीआर टी क्वेश्चन आंसर चैप्टर हेलन कैलर ऑफ क्लास फोर ओके प्रीवियस वीडियो में हमने कम्प्लीट किया था इसका हिंदी एक्सप्लनेशन और आज बात कर लेते हैं इसकी एक्सरसाइज की अगर चैनल पर कोई भी बच्चा नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है रीडिंग इज फन तो रीडिंग इज फन में हमें क्या दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में समथिंग इज रोंग सेलन मदर व्हाट वॉज रोंग विथ हेलन तो हेलन के साथ क्या गलत था उसकी मदर कहती हैं तो इसका आंसर क्या होगा हमारा चलिए देख लेते हैं इसका आंसर चलिए स्टार्ट करते हैं तो हेलन कैलर हेलन बिकेम ब्लाइंड एंड डीप ड्यू टू हर इलनेस एंड फीवर दैट इज़ वाई हर मदर सैड सम इज़ रोंग तो हेलन जो थी तेज फीवर की वजह से बीमार हो जाती है और उसी वजह से वो ब्लाइंड और डीफ हो जाती है तो उसकी मदर को लगता है कि कुछ तो गलत है समथिंग इज़ रॉन्ग नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट इज ऑल दो हेलन कूड नाट हीयर एंड सी वट काइंड ऑफ गर्ल्स वॉल शी तो इसमें पूछा गया कि हेलन ना तो सुन सकती थी और ना ही देख सकती थी लेकिन वो किस तरीके की गर्ल थी तो इसका आंसर क्या होगा हमारा हेलन कोियर एंड सी बट शी वॉज अ ब्राइट एंड स्मार्ट चाइल्ड वो सुन तो नहीं सकती थी और देख भी नहीं सकती थी लेकिन वो एक ब्राइट और स्मार्ट चाइल्ड थी ओके सो नेक्स्ट वन इज हु एग्री टू हेल्प हेलन हेलन की हेल्प करने के लिए कौन एग्री हुआ था तो आंसर क्या होगा इसका हमारा मिस सुलिवन एग्रीड टू हेल्प हेलन मिस सुलिवन जो थी उन्होंने हेल्प की थी हेलन की किस तरीके से हेल्प की थी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बताते हैं नेक्स्ट इज हाउ डिड मिस सुलिवन हेल्प हेलन हेल्प कैसे की थी उन्होंने मिस सुलिवन गेव हेलन अ डोल मिस सुलिवन ने हेलन को एक डोल दी देन शी स्पेल्ड डोल डी ओ डबल एल एंड रोट द वर्ड ऑन हेलन हैंड बाई हर फिंगर उन्होंने हेलन को एक डोल दी और उन उसके हाथ पर हेलन के हाथ पर उन्होंने लिखा डी ओ डबल एल सी टॉट हर द साइन लैंग्वेज टू लर्न द वर्ड्स उन्होंने उसको सिखा हेलन को क्या सिखाया हेलन को लैंग्वेज सिखाई विद द हेल्प ऑफ साइन यानी अगर उसके हाथ पर उन्होंने डोल को देकर उस हेलन के हाथ पर लिखा डी ओ डबल एल तो हेलन को समझ में आ गया ये जो चीज़ मेरे हाथ में है इसको डोल कहते हैं सो so, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट डिड हेलन लर्न वैन द टीचर पुट हर हैंड इन टू रनिंग वाटर तो जब रनिंग वाटर में हेलन का हाथ टीचर ने दिया तो उनको क्या समझ आया सो नेक्स्ट वन इज वैन द टीचर पुट हेलन हैंड इन टू रनिंग वाटर जब टीचर ने हेलन का हाथ रनिंग वाटर में दिया शी लर्न द न्यू वर्ड वाटर उन्होंने नया वर्ड सीखा है एल ने वाटर डब्ल्यू ए टी ई आर शी ऑल्सो अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वाटर एंड शी फाउंड इट वेट एंड रनिंग डाउन हर हैंड वैन शी टच इट तो जब भी वो वाटर में रनिंग वाटर में हाथ देती हैं तो उससे उन्हें समझ में आता है जो ये हाथ पर मेरे कुछ गीला गीला सा लग रहा है और ये रनिंग वाटर जो है इसको वाटर बोलते हैं तो इस तरीके से उन्हें साइन लैंग्वेज समझ में आने लगी

She can know everything through the words. मतलब कि वह वर्ड्स के थ्रू दुनिया में कुछ भी समझ सकती है क्योंकि हर चीज़ का दुनिया में एक नाम होता है तो हम वर्ड्स के थ्रू कुछ भी समझ सकते हैं then let's talk. Let's talk में हमें क्या questions दिए हैं चलिए देख लेते हैं Using sign language, make these letters with your hand. आपको साइन लैंग्वेज को यूज़ करते हुए इन लेटर्स की हेल्प इन लेटर्स को बनाना है तो इनको हम कैसे बनाएंगे और कैसे समझेंगे इसके लिए हमें साइन दिए गए हैं इस चैप्टर के लास्ट में तो फर्स्ट हमारा पहला साइन कैसा है पहला साइन है हमारा ये ए का ठीक है ए इस तरीके से ए बनेगा फिर बी फिर सी ये सी बनेगा हमारा फिर डी डी इस तरीके से डी बनेगा फिर ई दिया हुआ है हमें उसके बाद एफ देन जी और जी एच फिर आई फिर जे के एल इसके बाद एम एन अगर आप अपने हैंड्स को स्लाइड करेंगे तो नीचे की तरफ आएंगे तो एन बन जाएगा और इसी तरीके से एम बनेगा फिर आपको ओ दिया हुआ ये o की है ये ओ के साइन है फिर इसके बाद आपको ये पी का साइन दिया हुआ है ठीक है आपको थोड़ा सा अपनी फिंगर्स को रोटेट करना है और आपको वर्ड्स बनाने इसी को हम साइन लैंग्वेज बोलते हैं ठीक है फिर इसके बाद आर एस क्यू आर एस फिर ये एस हो गया हमारा ठीक है फिर टी ये टी बन गया है फिर यू ठीक है आपको सारी ही वर्ड्स को ट्वेंटी सिक्स हमारे अल्फाबेट्स होते हैं इनको आपको बनाना है फिंगर की हैंड से की हेल्प से और उसके बाद ये आपके वर्ड्स बन जाएंगे जैसे ये डब्लू हो गया फिर ये एक्स हो गया तो आपको ये सारे समझने और फिर अपने फ्रेंड्स के साथ इनको पूछना है कि कैसे कैसे साइन लैंग्वेज से हम वर्ड्स बना सकते हैं ठीक है ये फिर हमारा जेड हो जाता है चलिए इसी तरीके से अब हमें बनाना है क्या दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है चेक तो हमें चेक को कैसे बनाना होगा चलिए देख लेते हैं कैसे बनाएंगे चेक को तो सबसे पहला लेटर होगा हमारा सी तो दिस वन इज सी ऐसे हमें सी बनाना होगा फिर नेक्स्ट वर्ड क्या दिया हुआ है एच तो एच हाँ हमें कैसे बनाना है देख लेते हैं इसमें एच ये एच दिया हुआ है अगर आप अपने हैंड को स्लाइड करके नीचे लेकर आएंगे तो ये हमारा एच बन जाएगा ठीक है इस तरीके से एच बनाना है देन दूसरा हमारा थर्ड वर्ड क्या होगा ई e. तो अब ई e को देखते हैं ई e क्या है ये है हमारा ई e. फिर इसको ई को बनाएंगे तो ये हमारा ई बन जाएगा देन के फिर आप के सर्च करेंगे ये आप मस्सी में खेलते हुए भी आप कर सकते हैं के बनाएंगे फिंगर्स से ये सारे वर्ड्स बनाने की प्रैक्टिस करिए तो आपको साइन लैंग्वेज इन फ्यूचर कहीं भी किसी की हेल्प कर सकते हैं आप ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा नेक्स्ट इज स्पेल दीज वर्ड्स थ्रू हैंड साइन आपको स्पेल करो इन वर्ड्स को हैंड साइन के जो अभी मैंने आपको हैंड साइन चेक का बताया इसी तरीके से आप हेलन और वॉज का बनाएंगे ठीक है चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा थर्ड क्वेश्चन इज हाउ डू पीपल हु कैन नॉट सी और रीड जो पीपल ना देख सकते हो ना पढ़ सकते हैं वो लोग कैसे करते हैं तो इसका आंसर क्या होगा हमारा इसका आंसर होगा द पीपल हु कैन नॉट सी एंड रीड दे स्टडी थ्रो स्पेशल बुक्स रिटर्न इन अ स्पेशल लैंग्वेज कॉल्ड ब्रेल जो पीपल्स लोग जो देख नहीं पाते हैं और पढ़ नहीं पाते हैं तो उनको इस्पेशल बुक दी जाती है जिसे हम बोलते हैं ब्रेल ठीक है दे टच द स्क्रिप्ट एंड देन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ रिटर्न टेक्स्ट वो स्क्रिप्ट को टच करते हैं और उसके मीनिंग्स को समझ जाते हैं जो भी रिटर्न टेक्स्ट लिखा होता है ठीक है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा नेक्स्ट है वट इज द स्क्रिप्ट ऑफ चिल्ड्रन हु कैन नॉट सी कॉल्ड कौन सी स्क्रिप्ट होती है जो चिल्ड्रन देख नहीं पाते है? तो उनके लिए ब्रेल यूज की जाती है ब्रेल के यूज किसने की थी हमारी सबसे पहले लुइस ब्रेल ने इसका इन्वेंट किया था ठीक है ये हमारा जीके का भी एक क्वेश्चन बनता है तो ये आप याद रखेंगे हमारी जो बच्चे या जो भी लोग देख नहीं पाते उनके लिए पढ़ाने के में यूज़ की जाती है ब्रेल लिपि ठीक है चलिए सो नेक्स्ट हाउ डू यू थिंक यू कैन हेल्प द चिल्ड्रन हु कैन नॉट सी क्या आप सोचते हो कि आप बच्चों की कैसे हेल्प कर सकते हैं जो बच्चे देख नहीं पाते तो अपने लैंग्वेज में लिखना है आपको आई वुड अ गिफ्ट ब्रेल बुक्स ऑफ द चिल्ड्रन हु कैन नॉट सी मैं चाहता हूँ मैं किसी को भी एक ब्रेल बुक दूँ जिससे वो बच्चा देख पाए ठीक है ये इस तरीके से हमारा क्वेश्चन आंसर हो जाते हैं नेक्स्ट हमारा क्या होगा लेट्स राइट तो लेट्स राइट में क्या करना है हमें मैच द टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस गिवन अंडर कॉलम ए एंड बी एड बट टू जॉइन द टू पार्ट्स एंड राइट कंप्लीट सेंटेंसेस तो आपको दो कॉलम दिए हुए हैं कॉलम ए और कॉलम बी इनमें हर एक में सेंटेंस दिए हुए हैं आप उन सेंटेंस को पहले मैच करेंगे फिर उसके बाद कॉलम में अलग सेंटेंस बनाएंगे बट के साथ तो चलिए मैच कर लेते हैं फर्स्ट है हमारा हेलन लिव्ड आफ्टर वन सेकेंड फर्स्ट हमारा क्या दिया हुआ है कॉलम ए में, में? हेलन लिव्ड आफ्टर हर इल हेलन अपनी इलनेस के बाद ज़िंदा तो रहती है बट शी कुड नोट हीयर एंड हीयर और सी तो ये हम यहाँ पर मैच करेंगे हेलन लिव आफ्टर हर इलनेस बट शी कुड नोट हीयर और सी ठीक है नेक्स्ट हमारा है शी कुड नोट सी और हीयर वह ना तो देख सकती है और ना ही सुन सकती है बट शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट तो ये हमारा क्या होगा बट शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट ठीक है ये हो गया हमारा शी वॉज़ वेरी इंटेलिजेंट फिर आएगा हमारा नेक्स्ट पीपल थोट दैट शी कु नॉट लर्न एनीथिंग पीपल सोचते हैं कि वह कुछ नहीं सीख सकती बट हर मदर थोट शी कुड लर्न उसकी मम्मा सोचती हैं कि वह सब कुछ कर सकती है फिर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हमें हेलन कॉपीड द वर्ड्स हेलन कॉपी करती थी वर्ड्स को बट उसको समझ नहीं आता था शी डिड नॉट अंडरस्टैंड वट शी वॉज डूइंग ओके अब नेक्स्ट क्या है हमारा मिस सोलीवन वॉज स्ट्रिक्ट मिस उलीवन स्ट्रिक्ट थी बट शी वॉज काइंड टू हेलन लेकिन वो हेलन के लिए काइंड भी थी ठीक है अब इन सेंटेंस को आप क्या करेंगे जैसे फर्स्ट है हमारा Helen lived after her हेलन लिव्ड आफ्टर हर इलनेस हेलन जिंदा रहती है लेकिन वह नहीं देख पाती है और ना ही सुन पाती है तो इसका हमें क्या लगाना है शी नॉट हियर और सी बर्ड्स के साथ जोड़ते हुए हम इस तरीके से इन सेंटेंस को कंप्लीट कर लेंगे ठीक है चलिए अब हमारा है टीम टाइम का वर्क टीम टाइम में क्या करना है आपको रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस आप इन सेंटेंसेस को रीड करिए फर्स्ट हर क्लोथ्स वर ऑलवेज डर्टी हर क्लोथ्स वर ऑलवेज डर्टी ऑलवेज मीन्स हमेशा उसके कपड़े हमेशा गंदे रहते हैं ठीक है देन शी वॉज ऑफ़न एंग्री ऑफ़न मीन्स ज़्यादातर ज़्यादातर या कभी कभार ठीक है ज़्यादातर तो समटाइम्स शी लेज़ ऑन द फ्लोर कभी कभी वह फ्लोर पर लेट जाती है तो समाइम का मतलब क्या होगा यहाँ पर हमारा सम टाइम मीन्स कभी कभी ठीक है आपको इन वर्ड्स को समझना होगा कि इनका हिंदी मीनिंग क्या होता है ठीक है फिर इसके बाद हमारा आता है हर पेरेंट्स नेवर इज़ कॉल्डिड हर उसके पेरेंट्स ने उसे कभी भी नहीं डाँटा तो कभी भी नहीं डाँटा इसका मतलब क्या होगा हमारा नेवर का कभी नहीं आपको समझ आ गया कि अब ये जो वर्ड्स हैं इनका हमारा क्या होगा ऑलवेज मीन्स हमेशा और ऑफन मीन्स कभी कभी सम टाइम और नेवर मीन्स कभी नहीं ठीक है अब आपको क्या करना है ये आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं और इसमें आपको क्वेश्चन में जो काम आप ऑलवेज करते हैं ऑफनली करते हैं ज़्यादातर करते हैं समाइम करते हैं कभी कभी आपको इनमें टिक मार्क करना है तो ओबे योर पेरेंट्स आप अपने पेरेंट्स की बात हमेशा मानते हैं तो ऑलवेज देन विजिट योर ग्रैंड पेरेंट्स आप कभी कभी जाते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास तो समाइम क्लिक करेंगे फिर फाइट विद योर ब्रदर्स और सिस्टर कब लड़ते हैं ऑलवेज लड़ते हैं या कभी नहीं लड़ते हैं सम टाइम तो आपस में बच्चे लड़ते ही हैं तो sometimes ओके हेल्प्स अदर आप दूसरों की हेल्प करते हैं ऑलवेज ऑफन या समाइम तो आप लगाएंगे हेल्प अदर्स ऑलवेज ऑलवेज थ्रो वेस्ट इन डस्टबिन ये तो आप हमेशा ही करते होंगे डस्टबिन में थ्रो करते हैं फिर उसके बाद है स्विच ऑफ द लाइट वेन यू गो आउट ऑफ द रूम क्या आप स्विच ऑफ करते हैं लाइट का यस ऑलवेज लीव द टैप ऑन वाइल ब्रशिंग योर टीथ क्या आप टैप को खुला छोड़ देते हैं जब ब्रश करते हैं नेवर ठीक है तो इसका क्या होगा हमारा नेवर आप नेवर पर लगा देंगे फिर टीयर पेज फ्रॉम योर नोटबुक क्या अपनी नोटबुक से आप टीयर पेज फाड़ते हैं तो इसका क्या लगाएंगे नेवर या फाड़ देते हैं कभी कभी तो इसके लिए हमें नेवर पर क्लिक करना होगा ठीक है इस तरीके से तो जिस सेंटेंस को आप करते हैं वो आपको देखना होगा फिर इसके बाद आपके पास है लेट्स मेक समथिंग कुछ बनाते हैं फ्रॉम न्यूज़ पेपर और ओल्ड मैगजीन कलेक्ट स्टोरीज आप न्यूज़ पेपर से या किसी भी पुरानी मैगजीन से स्टोरीज कलेक्ट कीजिए रिपोर्ट टू करेजियस चिल्ड्रन एक करेजियस चिल्ड्रन के लिए रिपोर्ट बनानी है यानी उसके लिए एक पिक्चर ड्रॉ करिए और एक स्टोरी बनाइए टॉक अबाउट द स्टोरीज और उस स्टोरी के बारे में आप बताएंगे ठीक है अब सिंग दिस सॉन्ग टुगेदर चलिए इस सॉन्ग को सारे एक साथ गाते हैं तो क्या है ये सॉन्ग हमारा प्रीटी पैप तो प्रीटी पैप में आई हैव अ लिटिल सिस्टर दे कॉल हर प्रीटी पैप मेरे एक छोटी बहन है जिसको हम बोलते हैं प्रीटी पैप शी वेड्स इन द वॉटर डीप 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 वह कभी कभी वाटर में बहुत गहरे चली जाती है सी क्लाइम्स ऑफ द माउंटेन वह माउंटेन पर चली जाती है ऊँचे ऊँचे पर हाई एंड हाई माई प्रिटी लिटिल सिस्टर जस्ट हैज वन आई उसकी केवल एक ही आँख है प्रिटी सिस्टर है जो मेरी उसकी सिर्फ एक आँख है लेकिन एक आँख के होते हुए वह पानी में भी बहुत गहरे चली जाती है और माउंटेन्स पर भी चली जाती है तो हु इज प्रिटी पैप प्री टी पैप कौन है तो इसका आंसर क्या होगा प्रिटी पैप हमारी एक स्टार है ठीक है चलिए दैट्स ऑल ऑफ ऑल स्टूडेंट होपफुली आपको ये सारा समझ आ ही गया होगा आप कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी और जो आपको कॉलम्स दिए हुए थे वो सब चीज़ें समझ आ गई होंगी तो आज के लिए बस इतना ही प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल थैंक्स फॉर वॉचिंग चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय ध्यान रखिए अपना और अपनों का